हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th रिजल्ट का बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि आज लाखों विद्यार्थी एमपी बोर्ड 10th और 12th रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। क्या अभी तक रिजल्ट जारी हुआ है 10th का और 12th का? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अभी तक रिजल्ट जारी हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर नहीं हुआ है तो कब होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कैसे चेक करना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंटों के कमेंट हमारे पास आ रहे हैं लगातार, तो सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो छात्रों, अगर हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर आकर स्टडी गुरु। जैसे ही हम स्टडी गुरु सर्च करेंगे, सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी studyguru.com करके, क्योंकि हमने एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है खोल खोल के देखी है, ओपन नहीं हो रही है, उसका सर्वर क्रैश चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो फाइनली जो स्टडी गुरु वेबसाइट है, studyguru.com वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको आना है, और इस वेबसाइट पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट के संबंध में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2024 बड़ी खबर को लेकर, अगर ये अपडेट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद में जब आप इस आर्टिकल को यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर इसमें लिखा है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट कब होगा जारी। तो छात्रों, कई सारे स्टूडेंट और कई सारे समाचार पत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा था कि 15 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि 15 अप्रैल को रिजल्ट आपका जारी होगा, और ना अभी तक रिजल्ट जारी भी नहीं हुआ है। और अब हम आपको बता देंगे कि रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि पहले जब माध्यमिक शिक्षा मंडल रिजल्ट जारी करेगा तो पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें छात्रों को बताएगा कि किस किस तरीके से छात्र अपना किस किस वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके लिए पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कब जारी होगा रिजल्ट, अगर 15 को नहीं हुआ है तो अब कब होगा आप बता दीजिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे और कमेंट भी करेंगे। तो अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो अब आपका रिजल्ट हम बताने वाले हैं फाइनली कि 20 तारीख को रिजल्ट जारी हो सकता है या 25 से। जब मगर है कि 30 तारीख से पहले आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि 20 से 30 तारीख 30 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर जैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंडल रिजल्ट के संबंध में ऑफिशियल डेट जारी करता है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस नोट में आपको यहाँ पर आपको नीचे अपडेट कर देंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पर से आकर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी तक जारी नहीं किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कब आपका रिजल्ट आएगा, और 15 तारीख को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है, तो आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो पूरी हमने इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दी है। और छात्रों, इसके अलावा आपको रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है, अब यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरी जो अपडेट है आपको इसी वेबसाइट पर, यानी कि studygrow.com वेबसाइट पर मिलती रहेगी, तो आप चेक करते रहिएगा, पूरा रिजल्ट का हर पल का अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा, सही सही जानकारी हम आपको बताते हैं, तो आप यहाँ से चेक करते रहिए। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको अगर टाइम मिलता है तो आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।